हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है राधे केशव ब्लॉग में। आज मैं एक DIY के बारे में बताने जा रही हूँ इस ब्लॉग में, जिसमें मैंने एक पुरानी टेबल, जो बहुत ही पुरानी, मेरी 20 साल पुरानी एक टेबल पड़ी हुई थी मैरून कलर में, देख रहे हैं आप लोग इसको, और इसमें बहुत दरारें आ गई थी, गंदगी भी बहुत सारी जमा हो गई थी, जैसे समय के साथ धूल वूल जमा हो जाती है। तो और देखिए क्रैक्स भी आ गए थे बीच बीच में लकड़ी में। तो इन सब क्रैक्स को मैंने हटाया वॉल पुट्टी की मदद से, दरारें भरी और फिर एकदम नया कर दिया। सबसे पहले मैंने इस टेबल से सारी डर्ट हटाई स्क्रैपर की मदद से। ये देखिए, एक लोहे का पतला सा पट्टा मैंने हार्डवेयर शॉप से ले लिया था, उससे स्क्रैप करके मैंने सारी डर्ट हटा ली और इसकी जो दरारें थी वो मैंने भरी वॉल पुट्टी की मदद से। हार्डवेयर शॉप में आराम से वॉल पुट्टी मिल जाती है। इसमें मैंने फेविकोलो पानी मिलाया, पेस्ट बनाया थिक कंसिस्टेंसी का, और फिर उस पेस्ट को मैंने अपनी दरारों में भर दिया टेबल के पूरे, जहाँ जहाँ मुझे लगा क्रैक्स हैं या दरारें हैं, तो मैंने वहाँ पे इस वॉल पुट्टी के पेस्ट को लगा दिया और सूखने के लिए एक दिन के लिए छोड़ दिया धूप में। फिर मैंने रेगमाल से एक्सेस जो ज़्यादा वॉल पुट्टी लग गई थी उसको मैंने निकाल लिया स्क्रैप करके। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरी टेबल हो गई तैयार कलरिंग के लिए। तो बेस देने के लिए मैंने वाइट ऑयल कलर यूज़ किया और पूरी टेबल को वाइट कलर से कलरिंग कर दी। फाइनली मेरी टेबल वाइट कलर से कलरिंग हो गई, इसमें खूब शाइनिंग आ गई, सारी डर्ट हट गई और क्रैक्स भी हट गए। जब वाइट कलर सूख गया फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इसमें किया नीला रंग नेवी ब्लू कलर ऑयल पेंट से। ऑयल पेंट का नेवी ब्लू कलर मैं कर रही हूँ और फिर मैं एक दिन उसको सूखने के लिए रख दूँगी। मास्किंग टेप लगा के मैंने टॉप पे भी चारों तरफ नेवी ब्लू का बॉर्डर दिया। फिर मास्किंग टेप हटा के मैंने टेबल टॉप को डिफरेंट सेक्शंस में बांट लिया और उन अलग अलग सेक्शंस को मैंने अलग अलग कलर से कलर किया, क्योंकि मुझे राजस्थानी थीम देनी थी टेबल टॉप पे, इसलिए मैंने टेबल की टॉप पे खूब ब्राइट कलर्स लगाए। फाइनली मेरी टेबल डिफरेंट कलर्स में उनका टॉप रंग दिया मैंने। एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए हैं टेबल टॉप को कलर करने के लिए और चारों तरफ ऑयल पेंट का ब्लू कलर का मार्जिन दिया है मैंने। फिर मैंने यूज़ किया स्टेंसिल। स्टेंसिल से मैंने वाइट 3D आउटलाइनर्स की मदद से मैंने ये बूटियाँ बनाई हैं, और ब्लैक एक्रेलिक कलर मैंने इस पैटर्न में यूज़ किया है। स्टेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ मैं। स्टेंसिल को जब कलर थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब धीरे से हल्के से उठाना चाहिए और बहुत ही कम कलर यूज़ करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखने से स्टेंसिल से कलर फैलता नहीं है। मैंने स्टेंसिल की मदद से सारी टेबल में अलग अलग पैटर्न्स दे दिए और बॉर्डर में भी मैंने स्टेंसिल के यूज़ करके वाइट कलर से पैटर्न दे रही हूँ। फिर लास्ट में मैंने वॉर्निश यूज़ करके अपने कलर्स को सिक्योर कर लिया। टेबल टॉप पे मैंने वॉर्निश लगाई। फिर धूप में एक दिन मैंने अपनी टेबल सूखने रख दी और मेरी टेबल का फाइनल लुक देखिए कैसा आया है दोस्तों। इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने अपनी पुरानी टेबल जो बेकार पड़ी हुई थी उसको एकदम नया लुक दे दिया। बाज़ार से सामान हम लोग बेकार में नया ले आते हैं, पुरानी चीज़ों को ही हम लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी नई टेबल कैसी लगी, इसका लुक कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले वीडियो से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।